गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स, आज हम लोग फिर से एक नई यात्रा पर निकलेंगे और इस दवा को नए एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। लेडी पेशेंट, एज 60 इयर्स अप्रोक्स, सफरिंग फ्रॉम पेन इन बोथ नीज फॉर लास्ट 3 इयर्स एंड द वेट इज़ 85 kg। पेशेंट के आने के बाद मैंने पूछा कि बोलिए क्या हो गया है। फिर पेशेंट ने कहा कि मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, शरीर का वजन भी ज़्यादा है, इसलिए उठने में, चलने में, बैठने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर सभी डॉक्टर एक ही बात कहते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा, हाँ तो फिर आपने ऑपरेशन के लिए क्या सोचा? पेशेंट ने कहा कि अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, घर में दूसरे लोग भी हैं, यदि मैं बिस्तर पर पड़ जाऊंगी तो सब कुछ कौन देखेगा, सबका काम कौन करेगा, अभी तो मेरी उम्र भी कम है, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, आप ऐसा दवा दीजिए कि अंदर से बिल्कुल ठीक हो जाए। यह पेशेंट अंदर से बहुत उदास लग रही थी, परंतु बीच बीच में बात करने के समय जरा सा हंस लेती थी और फिर अपनी बीमारी को सोचकर अपने हालात पर फिर उदास हो जाती थी। टू दिस पेशेंट द मेडिसिन कोस्टिकम 200 वॉज गिवेन, 3 doses वेयर गिवेन एट द इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर विथ रूटीन मेडिसिन एंड द इम्प्रूवमेंट स्टार्टेड स्लोली आफ्टर 2 weeks एंड दिस मेडिसिन आई हैव नॉट इन एलम पोटेंसी इन माई क्लिनिक सो आई गेव कोस्टिकम 200। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूब्रिक्स वाट आई हैव कंसिडर्ड इन दिस केस। एंग्जाइटी फॉर अदर्स, इस्केप अटेम्प्ट्स 2, फियर ऑफ बेड, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड एंड लाफिंग अल्टरनेटिंग विथ सैडनेस। इस पेशेंट ने मुझसे 1 महीना लगभग ट्रीटमेंट लिया और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आना चालू हो गया था, परंतु इस बीच में क्या हुआ कि इसके किसी सगे वाले ने एक दूर के होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में बताया और कहा कि वो डॉक्टर से आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वो बहुत अच्छी दवा देते हैं, और उसने पेशेंट को समझाया और पेशेंट ने वहाँ से ट्रीटमेंट चालू कर दिया। पेशेंट ने वहाँ से लगभग 2.5 महीने 3 महीने तक ट्रीटमेंट चालू रखा, पर उससे उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा। पेशेंट ने आकर के मुझसे कहा कि आपकी दवा से तो दर्द कुछ कम भी था, परंतु वहाँ जाने पर वो दर्द फिर बढ़ गया और उनकी दवा से मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने घर में कहा, फिर मैं आपके पास में आ गई। आप मेरी सभी बातों को अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से बताते भी हैं, अच्छे से समझाते भी हैं, और वहाँ पर मेरे पूछने पर भी वो ज़्यादा नहीं बोलते थे, ना ज़्यादा समझाते थे, ना मुझे अच्छे से देखते थे, इसलिए मैंने घर में कहा कि मुझे आपसे ही दवा फिर से चालू करनी है। इस बार क्या हुआ कि पेशेंट अपने दर्द के बारे में जब कह रहा था तब वो अपने दर्द को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था, जैसे मानो वो उसके पास बहुत ज़्यादा दर्द हो, परंतु देखने से मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द पेशेंट को हो रहा है। सब कुछ बताने के बाद पेशेंट ने ऐसा भी कहा कि सर दर्द की अच्छी दवा देना कि फ़र्क आ जाए, और साथ में मुझे इसमें सूजन भी है उसके भी आप दवा दे देना, और पेट में एसिडिटी भी सर कभी कभी हो जाती है, सर इधर कुछ दिनों से कमजोरी भी बहुत लग रही है, उसकी भी दवा उसमें डाल देना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दिस टाइम द मेंटल स्टेट ऑफ दिस लेडी पेशेंट इज टोटली चेंज्ड, सो आई हैव टू टेक द न्यू सेट ऑफ रूब्रिक्स। फेनिंग टू बी सिक, ग्रीडी, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड एंड कैरेस्ट। दिस टाइम द मेडिसिन पल्सेटिला इन 0/8 पोटेंसी वॉज गिवेन ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स 3 times daily। इस बार पेशेंट को जल्दी ही इम्प्रूवमेंट चालू हो गया और मुझे भी लगा कि कोस्टिकम से ज़्यादा इस मेडिसिन ने काम करना चालू कर दिया है, फास्टर देन बिफोर। अब हम लोग इस केस के रूब्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। कोस्टिकम के रूब्रिक्स पहले देखते हैं। एंग्जाइटी फॉर अदर्स, जैसा कि पेशेंट ने कहा था कि अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई है, घर में दूसरे लोग भी हैं, बीमारी के कारण या दर्द के कारण उन सबको कौन देखेगा, अर्थात उन सब की इसे चिंता है। इस्केप अटेम्प्ट्स 2,
यह पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है, उससे दूर भाग रहा है। फियर ऑफ बेड, पेशेंट ने कहा कि यदि मैं बिस्तर पर पड़ जाऊंगी तो सबको कौन देखेगा, वह बिस्तर पर नहीं पड़ना चाहती है। कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड, पेशेंट ने कहा कि ऐसी दवा दीजिए कि यह बीमारी अंदर से ठीक हो जाए। एंड द लास्ट रूब्रिक इज लाफिंग अल्टरनेटिंग विद सैडनेस, पेशेंट सैडनेस में तो था ही, उदास तो था ही, परंतु बीच बीच में लाफिंग कर लेता था, फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता था। अब हम लोग पल्सेटिला के रूब्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं। फेनिंग टू बी सिक, पेशेंट को नो डाउट दर्द तो है ही, पर वह उसे लंबा खींच के बड़ा करके बता रहा था, जबकि उसके चेहरे को देख के, उसके हाव भाव को देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जितना दर्द बता रही उतना दर्द उसके पास में है। ग्रीडी, पेशेंट का ध्यान अपनी मेन बीमारी पर तो है ही, पर उसके साथ में लालच के अधीन होकर वह छोटी मोटी बीमारियों को भी ठीक करा लेना चाहती है। जैसे कि उसने कहा कि सर एसिडिटी भी हो रही है, कमजोरी भी लग रही है, सूजन भी है, वगैरह वगैरह। कैरी, डिजायर टू बी कैरीड एंड कैरेस्ट, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मैं उसको कैरी और कैरेस्ट कर रहा हूँ, जबकि दूसरा डॉक्टर ना उस पर ध्यान दे रहा है, ना उसको अच्छे से सुन रहा है, ना उसकी बातों का अच्छे से जवाब दे करके उसे समझा रहा है, इसीलिए पेशेंट फिर से मेरे पास में आ गई। हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द मेडिसिन कोस्टिकम एंड पल्सेटिला। कोस्टिकम मेडिसिन क्रोनिक डिजीज में तो काम करती ही है, परंतु एक्यूट में भी बहुत अच्छा काम करती है वेन इट इज इंडिकेटेड बाई सिम्टम्स टोटालिटी। कोस्टिकम डिफाइंट में है, एनार्किस्ट में है। डॉक्टर या उसके क्लिनिक या दवा के खाने के बारे में जो भी नीति नियम है वह उसको भी बदल देता है। ये यदि डॉक्टर की बातें भी उसे तर्क संगत नहीं लगेगी तो वह उसके भी विरोध में खड़ा हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वह अपनी ईमानदारी से चलता है, दूसरा व्यक्ति ईमानदारी से चले या नहीं चले इससे उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। परंतु यह मेडिसिन खुद भी ईमानदारी से, नीति नियम से चलती है और यह चाहते कि दूसरे भी इसी तरह चले, ईमानदारी से काम करे, परंतु पुराने ढंग को यह नहीं मानता है। यह अपने तर्क से, अपने तर्क संगत बातों से नए नियम को लागू करना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, और इसलिए समाज के साथ इसका टकराव अक्सर होते रहता है, या फिर सामने वाली अथॉरिटी या डॉक्टर के साथ भी इसका टकराव चालू हो जाता है। अपनी बातों को लेकर यह बहुत ही कट्टर होता है, बहुत ही जुनूनी होता है, फेनेटिक होता है, और मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए यह आर्डेंट बन जाता है, डिफाइंट हो जाता है, एनार्किस्ट बन जाता है। यह एक जुझारू व्यक्ति है और किसी भी हालत में अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है और उसके खिलाफ संघर्ष करता है, और यही इसका बिजनेस है जिस पर वह बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, केयर्स अबाउट बिजनेस। और यह रूब्रिक केवल सिंथेसिस रडार रेपर्टरी में ही है। दूसरे की परेशानियों का, उनकी भलाई का काम करते करते बहुत बार यह खुद ही तकलीफ में आ जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, देर इज वन मोर रूब्रिक वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिजियस मतलब मुकदमा करना, अर्थात न्याय हासिल करने के लिए कुछ करना। वह दूसरों पर होते हुए अन्याय को नहीं देख पाता है और उनके हक में अपनी लड़ाई को चालू रखता है, उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करता है। दूसरों के दुख को देखकर ये अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। हॉरिबल थिंग्स सेड स्टोरीज इफेक्ट हर प्रोफाउंडली, ग्रीफ डे एंड नाइट। इस दवा के ऊपर दिए गए लक्षणों को यदि हम रोग के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें, डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में समझें और इसके मेटाफोरिकल मीनिंग को समझ कर हम इसका यूज करें, तो एक्यूट डिजीज़ में भी हमें यह बहुत जल्द नज़र आने लगती है। ओके माय डियर फ्रेंड, सी यू अगेन विथ समथिंग न्यू।